देखते वो देखो। अच्छा आपको मैं कोई चीज दिखाती हूँ, ये नेकलेस देखना, ये आप देख लीजिए, ये अपना देखना, ये देख लीजिए, आप देख लीजिए, ये थोड़ा नहीं करें, देखिए ये देखिए कितना प्यारा है, ये देखिए सब, ये देखिए ये क्या चीज है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी ये जो आपको कॉटन दिखाया जा रहा है इसके अंदर बेसिकली मिक्स स्टॉक है, इसके अंदर आपको बैंगल्स भी मिलेंगे, इसके अंदर ब्रेसलेट्स भी मिलेंगे, माला भी मिलेंगे, इसके अलावा एयर रिंग्स, इसके अलावा इसके अंदर चेन, इस टाइप के डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। कुछ आर्टिकल्स बहुत हाई क्वालिटी के हैं, कुछ थोड़े से नॉर्मल क्वालिटी के हैं, और ये काफ़ी चीप प्राइस पर के जी पे आपको पड़ेगा। अगर आप लोग इसका कंपैरिजन करें होलसेल मार्केट के रेट से, जो कि मार्केट हमारी होलसेल होती है लोग, तो एक एक आर्टिकल अच्छी खासी हाई प्राइस पे हमें मिलता है होलसेल रेट पे। जबकि ये जो केजी वाला स्टॉक होता है इसमें कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो आपको केजी में बहुत ही कम प्राइस पर पड़ता है, लाइक ब्रोच हो गया, लाइक एयर रिंग्स, ये सारे लाइट वेट होते हैं, किसी भी आर्टिकल का वेट 5 ग्राम 10 ग्राम से ऊपर नहीं होता और इनमें अच्छा खासा मार्जिन होता है। अब इसमें कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जो कि मार्केट होलसेल मार्केट में देखा जाए तो वहाँ पे 150-250 में मिलता है, और जबकि केजीज में हमें वेट के हिसाब से मिलता है, तो वेट उसका 5-10 ग्राम होने की वजह से वो हमें तकरीबन 25-30-40 रुपए का पड़ जाता है, लेकिन बहुत हाई क्वालिटी का होता है और बड़ी लो प्राइस पर पड़ता है। इसके अंदर कुछ ऐसे पैक्स होते हैं जिनके अंदर पेयर्स होते हैं, लाइक कैसे होते हैं कि एक अगर नेक पीस है तो उसके अंदर 2 नेक पीस होंगे, या एक स्टड्स का पैक है तो उसके अंदर 12-24 स्टड्स के पीसीज होते हैं, इस तरह से होता है। लेकिन हम लोग उसको एवरेज एक ही पैक काउंट करते हैं, हम लोग उसकी क्वांटिटी को काउंट नहीं करते कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। तो बेसिकली केजी में बहुत ज़्यादा स्टॉक आ जाता है, एयर रिंग्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आती हैं, रिंग्स आ जाती हैं, लेकिन जो थोड़े से हैवी नेक पीसेज होते हैं उनका कुछ वेट होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस पे कास्ट करता है, लेकिन फिर भी आपको मार्केट जो हमारी होलसेल मार्केट है उनसे कम रेट पे पड़ता है।